अनेक हनुमान भक्त अपनी दिनचर्या की शुरुआत हनुमान चालीसा के पाठ से ही शुरू करते हैं। श्री हनुमान चालीसा में कुल 40 चौपाइयाँ हैं। ये उस क्रम में लिखी गई हैं जो एक आम आदमी की जीवन क्रम होता है और इसे शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। माना जाता है कि तुलसीदास जी ने चालीसा की रचना श्री रामचरितमानस की रचना से पूर्व हनुमान को गुरु बनाकर राम जी को पाने के लिए की थी। अगर व्यक्ति सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो यह व्यक्ति को भीतरी शक्ति तो दे ही रही है, लेकिन अगर आप इसके अर्थ में छिपे जिंदगी के सूत्र समझ लें तो आपको हर एक क्षेत्र में सफलता दिला सकते हैं। हनुमान चालीसा सनातन परंपरा में लिखी गई पहली चालीसा है। शेष सभी चालीसाएं इसके बाद ही लिखी गई। हनुमान चालीसा की शुरुआत से अंत तक सफलता के कई सूत्र हैं। जानते हैं हनुमान चालीसा से अपने जीवन में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। हनुमान चालीसा की शुरुआत गुरु से हुई है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, अर्थात अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करता हूँ। गुरु का महत्व चालीसा के पहले दोहे की पहली लाइन में लिखा गया है। जीवन में गुरु नहीं है तो आपको कोई भी आगे नहीं बढ़ा सकता। गुरु ही आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। आज के दौर में गुरु हमारा मेंटोर भी हो सकता है, बॉस भी। माता पिता को पहला गुरु माना गया है। अगर तरक्की की राह पर आगे बढ़ना है तो विनम्रता के साथ बड़ों का सम्मान करें, पहनावों का रखें ख्याल। कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, अर्थात हनुमान जी के शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला है। सुवेश यानी अच्छे वस्त्र पहनने हैं। कानों में कुंडल है और बाल सांवर है। आज के दौर में व्यक्ति की तरक्की इस बात पर भी निर्भर करती है कि वह रहता और दिखता कैसा है, इसलिए रहन सहन और पहनावा हमेशा अच्छा रखें। विद्वान गुणी यति चातुर, राम काज कर वे को वातुर, अर्थात हनुमान जी विद्वान है, गुणों की खान है, चतुर भी है, राम के काम करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। आज के दौर में एक अच्छी डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन चालीसा कहती है सिर्फ डिग्री होने से व्यक्ति सफल नहीं होंगे, विद्या हासिल करने के साथ उसे अपने गुणों को भी बढ़ाना पड़ेगा। बुद्धि में चतुराई भी लानी होगी। हनुमान में तीनों गुण हैं, वह सूर्य के शिष्य हैं, गुणी भी है और चतुर भी। प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, अर्थात हनुमान जी रामचरित्र यानी राम की कथा सुनने में रसिक हैं। राम लक्ष्मण और सीता तीनों ही हनुमान जी के मन में वास करते हैं। जो व्यक्ति की प्रायोरिटी है, जो काम है, उसे लेकर सिर्फ बोलने में नहीं सुनने में भी व्यक्ति को रस आना चाहिए। अच्छा श्रोता होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के पास सुनने की कला नहीं है तो वे कभी भी अच्छे लीडर नहीं बन सकते। सूक्ष्म रूप धरे सिंह दिखावा, विकट रूप धरे लंक जरावा, अर्थात हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता को अपने छोटे रूप में दर्शन दिए और लंका जलाते समय हनुमान जी ने बड़ा स्वरूप धारण किया। व्यक्ति को कब कहाँ किस परिस्थिति में खुद का व्यवहार कैसा रखना है, यह कला हनुमान जी से सीखी जा सकती है। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण ने हनुमान जी की सलाह मानी और वह लंका के राजा बने। ये सारी दुनिया जानती है हनुमान जी सीता माँ की खोज में लंका गए।
तो वहाँ विभीषण मिले। विभीषण को राम भक्त के रूप में देखकर उन्हें राम से मिलने की सलाह दे दी। विभीषण ने भी उस सलाह को माना और रावण के मरने के बाद वह राम द्वारा लंका के राजा बन गए। किसको कहाँ क्या सलाह देनी चाहिए, इसकी समझ बहुत आवश्यक है। सही समय पर सही इंसान को दी गई सलाह सिर्फ उसका ही फ़ायदा नहीं करती, आपको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाती है। प्रभु मुद्रिका मेल मुखमाही, जलद लांद गए अचरज नाही। अर्थात हनुमान जी ने राम नाम की अंगूठी को अपने मुख में रखकर समुद्र को लांग लिया। इसमें कोई अचरज नहीं है। अगर किसी व्यक्ति में खुद पर और अपने परमात्मा पर पूरा भरोसा है तो आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल समय को आसानी से पूरा कर सकते हो। आज के युवाओं में एक कमी ये भी है कि उनका भरोसा बहुत टूटता है, आत्मविश्वास की कमी भी बहुत है। प्रतिस्पर्धा के दौर में आत्मविश्वास की कमी होना खतरनाक है, इसलिए अपने आप पर पूरा भरोसा रखें। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा के इन 5 चौपाइयों को आप अच्छे से समझकर अपने जीवन में फॉलो कीजिए और आपको जल्द ही आपको अपने जीवन में बहुत ही बदलाव दिखेंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।